फ्रेंड्स वेलकम टू यू माई यूट्यूब चैनल देव दीवाने। फ्रेंड्स आज का हमारा न्यू टॉपिक है डीजल बुलेट में, चाहे वो पेट्रोल बुलेट हो चाहे डीजल बुलेट हो, उसमें गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम क्यों आती है। आज हम इसमें गियर बॉक्स की में आपको मैं बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम गियर बॉक्स तरफ से आती है और क्यों आती है ना। इसका हो क्या रहा है फ्रेंड्स, जब हम गाड़ी चला रहे हैं और जब हम गियर लगाते हैं, फर्स्ट गियर अप लेते हैं, चाहे वो पेट्रोल वर्जन हो चाहे डीजल वर्जन हो, क्योंकि दोनों का गियर बॉक्स एक ही रहता है, तो जब भी हम गियर लगा रहे हैं तो गियर ऑटोमेटिक न्यूट्रल हो जा रहा है। चाहे आप थर्ड लगाओ सेकंड लगाओ, ये छोटा लीवर ऑटोमेटिक अपने नीचे आ जाता है। अब वो क्यों आ रहा है, गाड़ी चलाते समय अपने आप गियर डाउन क्यों हो जा रहा है, अपने आप गाड़ी क्यों न्यूट्रल हो जा रही है, आज के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आइए फ्रेंड्स, इसके लिए हम इस गियर बॉक्स को खोल लेते हैं, उसके बाद मैं फिर दिखाता हूँ आपको प्रॉब्लम कहाँ से है। आइए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड गियर बॉक्स को निकालने के लिए सबसे पहले अपने इसको किक को निकालना पड़ेगा, तो गियर को निकालना पड़ेगा इसको और छोटा लीवर को। इसके लिए हमें चाहिए 12 नंबर का कटिंग प्लायर स्क्रू ड्राइवर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा 13 नंबर का नट बोल्ट लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा 12 नंबर का। हम इसे हम पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। कटिंग प्लायर से आप इसको ऐसे करें घुमा देंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं पूरा निकाल लेता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे आपको। फ्रेंड्स ये कवर को निकालने से पहले आप इनके क्लच को ढीला कर लेंगे, यहाँ से पूरा टोटल इसको वापस ढीला कर लेंगे, वापस टाइट कर देंगे। टाइट कर देने से क्या होगा, ये ढीला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, टोटल यहाँ से ढीला हो जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये आपका कवर ये बाहर यहाँ पे फंसता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारा ये पैनल खुल चुका है एक साइड का गियर बॉक्स का। अब मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ वो कहाँ पे है, कि जिसके कारण से गाड़ी का गियर बार बार सेलेक्ट ना होने के कारण बार बार न्यूट्रल हो जाता है। थोड़ा इसका टॉर्च चालू कर लेते हैं, शाम हो गया। देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे ये 13 नंबर का यहाँ पे एक नट है लगा हुआ, ये हो गया ढीला। देखिए फ्रेंड्स, इसको अपन कहते हैं गियर चेंजर स्प्रिंग। इसके अंदर इतनी बड़ी स्प्रिंग है कि गियर चेंजर स्प्रिंग है। तो फ्रेंड्स मेरे पास ये नया रॉयल इनफील्ड का जेन्युइन गियर चेंजर स्प्रिंग है, जिसे अपन प्रेजर भी बोलते हैं, है ना। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस टाइप से रहता है ये हमारा, देख सकते हैं अभी इसमें स्प्रिंग लगे रहती है। या जब हम गियर शिफ्ट करते हैं तो ये स्प्रिंग ये आगे पीछे जाता है, इसको चेंज करने का काम आता है ना फ्रेंड्स। अप्रोक्स आपको मार्केट में 40-45 रुपए में मिल जाएगा न्यू जेन्युइन पार्ट से, है ना। तो इसे अपन वापस टाइट करेंगे, है ना जी। ये टाइट हो गया फ्रेंड्स, हम यहाँ से एडजस्ट कर लेते हैं। बस इसके बाद हम इसे वापस फुल टाइट कर देंगे। इसमें भी 13 नंबर का ही पैनल लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये अब ये फुल टाइट हो चुका है फ्रेंड्स। इसके बाद आप अपना गियर लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जब भी फ्रेंड्स अगर लगे आपको कि आपका गियर बार बार डाउन हो रहा है, गाड़ी न्यूट्रल पे आ जा रही है, तो आप इस नट को ज़रूर वॉच कीजिएगा, है ना। या हो सकता है आपकी गाड़ी गियर सेलेक्ट नहीं कर पा रही है, प्रॉपर गियर सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो ये आपका गियर सेलेक्टिंग का भी काम करता है ये उस जगह पे ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट्स करके बताइए। वॉचिंग के लिए थैंक्स, देव दीवाने।